हे दोस्तों, हमारी बॉडी हमें पूरे दिन में हर काम करने के लिए सपोर्ट करती है और हमारी बॉडी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सबसे कम जानते हैं। आज की वीडियो में हम हमारी बॉडी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपको पता हो। सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स और उनके फंक्शन के बारे में। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की लिस्ट अलग अलग होती है क्योंकि किसी ऑर्गन के प्रॉपर नंबर या डेफिनेशन अभी भी डिबेट के लिए रेडी नहीं है। दोस्तों, अभी तक एस्टिमेटेड 79 ऑर्गन्स की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और अगर आपको उनके नाम्स जानने हैं तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जिन्हें हमने बॉडी की पूरी डेवलपमेंट में अपना काम करके खो दिया है। ऐसे ऑर्गन्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स नाम से जाने जाते हैं। इनमें से कुछ ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं और सिस्टम बनाते हैं जो कि एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक साथ होने से उन्हें ऑर्गन सिस्टम कहते हैं और इन्हीं आइडेंटिफाइड 79 में से 5 ऑर्गन्स जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इनका ना होना हमारी लाइफ को खतरे में डाल सकता है। वैसे तो सभी ऑर्गन्स बहुत जरूरी है, पर हमारी बॉडी के 5 सबसे जरूरी ऑर्गन्स हैं ब्रेन, हार्ट, लिवर, लंग्स और किडनी। दोस्तों, आइए अब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, जिनमें से कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स। ये सभी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं, यानी कि हम एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। दूसरा फैक्ट है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स 2 प्राइमरी सेल्स हैं। ये सेल्स न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस से अलग अलग किए गए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स अर्थ पर बनने वाली पहली सेल थी, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स का विकास हुआ। अब जानते हैं तीसरे फैक्ट के बारे में। ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबा सेल मोटर न्यूरॉन है। फीमेल एग सबसे लार्जेस्ट सेल है और स्मॉलेस्ट सेल मेल्स का स्पर्म सेल होता है और लॉन्गेस्ट बोन थाई बोन होती है और स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स और स्टिरअप बोन होती है जो कि हमारे कान के मिडल में होती है और हार्डेस्ट बोन है हमारी जो की बोन यानी जो बोन। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है, पिनियल ग्लैंड स्मॉलेस्ट ऑर्गन है, ह्यूमन टंग स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है और एक्सटर्नल मसल्स ऑफ आईज फास्टेस्ट मसल है। चौथा फैक्ट है, एक इंसान एक दिन में 20,000 बार ब्रीथ करता है। मेल से ज्यादा तेज बच्चे और फीमेल्स ब्रीथ करते हैं। पांचवा फैक्ट है, हमारी एपेटाइट हमारे सांस लेने पर निर्भर करती है। स्लो ब्रीदिंग हमारे लाइफ इंक्रीज करने में हेल्प करती है। इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, सॉर थ्रोट से बचने के लिए नोज से ब्रीथ करना चाहिए। छठा फैक्ट है, योनिंग ऑक्सीजन को ज्यादा इनहेल करने में हमारी हेल्प करता है। जब हमारा ब्रेन सेंसरी सिस्टम को मैसेज भेजता है हम तब योन करते हैं। सातवां फैक्ट है, एक दिन में हमारी बॉडी में ब्लड 19,312 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है और हमारा हार्ट टोटल लाइफ स्पैन में 1.5 मिलियन बैरल ब्लड पंप करता है जो कम से कम 209 ट्रेन के फ्यूल टैंक को फिल कर सकता है। आठवां फैक्ट है, हमारी फिंगर्स में मार्क की तरह हर इंडिविजुअल की टंग का एक यूनिक मार्क है। ह्यूमन टंग इतना सलाइवा बना सकता है जो पूरे 2 स्विमिंग पूल्स को फिल कर सकते हैं, तभी इसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कहा जाता है। नाइन्थ फैक्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों ही ब्लड कैरिंग में इन्वॉल्व है। एक दिन में ह्यूमन हार्ट 1,00,000 टाइम्स बीट करता है और 30 मिलियन बार एक साल में बीट करता है, यानी 3 करोड़ टाइम्स बीट करता है। दसवां फैक्ट है, ह्यूमन ईयर 2,000 से 60,000 हर्ड साउंड सुन सकता है और हंड्रेड एंड थाउजेंड डिफरेंट साउंड के बीच डिस्टिंग्विश कर सकता है। 11वां फैक्ट है, कॉर्निया हमारी आई का ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है। सिर्फ इसी पार्ट में ब्लड नहीं होता है और ये एयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है। 12वां फैक्ट है, हमारे पैरों के फिंगर्स के नेल्स और मिडल फिंगर के नेल्स बाकी नेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। और इस वीडियो का लास्ट और 13वां फैक्ट है, हम ब्रीदिंग और स्वेलो एक साथ नहीं कर सकते लेकिन एक न्यूबॉर्न बेबी 7 से 8 महीने तक ब्रीदिंग और स्वेलो एक साथ कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं वो आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगे होंगे। सिर्फ यही नहीं, हमारी बॉडी के बहुत सी ऐसी और बातें हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और वो मैं आगे ऐसे और वीडियोस बनाकर आपको बताता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल संजय मीना पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।